हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलें आपको मैं आज दिखाती हूँ कि कोरिया में घर कैसे शिफ्ट होते हैं। ये देखें, ये अपार्ट्स हैं और आज कोई यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ये सामने ट्रक खड़ा हुआ है। तो ये कहीं से आए हैं और अभी इस घर में सामान शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखें ऐसे शिफ्ट होता है सामान। ये क्रेन लगी हुई है, ठीक है, ये ऊपर मैट्रेस लेके गई है। तो अभी ये ट्रेन नीचे आएगी क्रेन, तो फिर इस पर और सामान रखेंगे। तो हैवी से हैवी चीज़ बड़ी आसानी से ये शिफ्ट कर लेते हैं इजी तरीके से। तो अभी ऊपर से आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी नीचे आ गई है सामान रखकर ऊपर। ये कंपनीज होती हैं, इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो कुछ लोग यकीनन ऊपर भी होंगे, वो इससे सामान उतार लेते हैं फिर अंदर रख लेते हैं घर में। और फिर ये दो लोग नीचे खड़े हुए हैं और फिर ये और सामान इसके ऊपर रखेंगे। मैं थोड़ा दूर खड़ी हुई हूँ क्योंकि ट्रेन है इससे, इसके करीब नहीं मैं गई, तो मैं दूर से ही देख रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको चलें आज शेयर करूं। यहाँ पे मॉर्निंग है तो मैं निकली थी बाहर, तो मुझे ये नज़र आया शिफ्ट करते हुए घर, तो मैंने कहा चलें मैं आपसे शेयर करती हूँ। काफ़ी पूरे पूरे घर का सामान होता है, दो दो तीन तीन ट्रक भरे होते हैं ऐसे कंपनी, फिर आती है लेके। तो जहाँ से अब ये जहाँ से आए हैं ना, वहाँ से इन्होंने उठाया, मतलब वहाँ सामान सारा कैरी किया है इस ट्रकों में, ठीक है, और यहाँ इस घर में पूरा शिफ्ट करा के तो फिर इनका सारा होता है काम होता है कि घर के अंदर तक सारा सामान रखना और जो हैवी चीज़ें होती हैं वो भी जगह पर रख के जाते हैं जो देखे ऊपर जा रहे हैं। ये पार्ट तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी फ्लोर्स होते हैं तो वहाँ पे बड़ी आसानी से ऐसे सामान शिफ्ट कर लेते हैं। तो कोरिया में इस तरीके से सामान शिफ्ट होता है घरों में। जहाँ से इन्होंने निकाला यकीनन वहाँ से भी ऐसे ही क्रेन लगाई है उन्होंने, उस पर रखा है, फिर नीचे आता गया ट्रकों में डाला और अब यहाँ आके ट्रकों से निकाल के क्रेन पर रख रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। ज़्यादातर मॉर्निंग में ऐसा काम करते हैं, घर शिफ्ट वगैरह करना होता है तो मोस्टली मॉर्निंग में ये करते हैं। फिर ही क्रेन नीचे आ गई सामान रख के। बड़े आराम से ये सुकून से ऐसे करते हैं सामान शिफ्ट, और अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते सामान शिफ्ट ना, कि कोई भी ट्रक को बुला लिया चलो जी सामान शिफ्ट करना है, नहीं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता है यहाँ पे। ट्रेन फिर नीचे आ गई है और बड़ा अच्छा पैक करते हैं, बड़ा मतलब कोई चीज़ टूटे ना, कोई चीज़ ख़राब ना हो। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर की है ना, ये चेयर है, एक्सरसाइज चेयर, तो ये काफ़ी हैवी होती है। तो कैसे उन्होंने देखे हैं इसको सारा रैप किया होगा ताकि ख़राब ना हो। अभी इसके ऊपर रख रहे हैं, कोई खराश ना आए कोई।
कोई चीज़ ख़राब ना हो। अभी उसके ऊपर अपने नीचे देखे मैट सा बिछाया उन्होंने ताकि वो ख़राब ना हो। यार बहुत मुश्किल होता है ऐसी हैवी भी चीज़ें लेना। कुछ चीज़ें लिफ्ट के जरिए भी चले जाती हैं लेकिन मोस्टली यहाँ पे इस तरीके से ही सामान। ये मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रक के दूसरी तरफ आके। मैं ये देखें ऊपर विंडो है घर की तो वहाँ से सामान अंदर जा रहा है। घर की विंडो बड़ी बड़ी होती हैं बहुत ज़्यादा साइज में तो उसके ऊपर खोल लिया जाता है और आराम से सामान चला जाता है घरों में। अब फिर ऊपर सामान जा रहा है। ओके जी चले मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।